हो जाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, पुलिस जो व्यवस्था है, उसको सुधार करने में जो काम किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये अनुमान आप लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने अगर गृह विभाग अपने पास रखा है तो ये जो विभाग है वो सादे सीधे सीधे उनके मॉनिटरिंग में होंगे। और जिस तरीके की उन्होंने रफ्तार पकड़ी, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि नायक के अवतार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। लगातार गुना हादसे के बाद हमने देखा था कि वहां पहुंचा उन्होंने, लगातार एक्शन किया है और लगातार अधिकारियों को अपने एक्शन के जरिए वो ये चेतावनी भी देते नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरह की जो ढिलाई है वो कामकाज में नहीं बरती जानी चाहिए, उसको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा या उसको सहन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। एक और विभाग इनके पास औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन जो विभाग है आशीष, ये काफी महत्वपूर्ण विभाग है मध्य प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट समिट हमेशा होती रही है। इंदौर में भी पिछली बार आपने देखा होगा कि इन्वेस्टमेंट समिट होती है, तो मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाने की, निवेश को लाने की जो चुनौती है वो काफी बड़ी चुनौती है। लगातार इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में होती है, देश दुनिया के इन्वेस्टर्स आते हैं, उद्योगपति यहां पर आते हैं और कहीं ना कहीं जब सरकार के साथ वो एमओयू साइन करते हैं तो उनकी ये उम्मीद होती है कि अगर हम उद्योग लगाएंगे, आपके यहां के लोगों को रोजगार देंगे, तो हमको वहां पर कुछ ना कुछ राहत मिलनी चाहिए। और शायद यही वजह है, डॉक्टर मोहन यादव खुद मालवा इलाके से आते, उज्जैन से आते हैं, इंदौर के पड़ोस का शहर, और इंदौर में इन्वेस्टर समिट के लिए बहुत मुफीद जगह है और इंदौर में आमतौर पर इन्वेस्टर समिट होती है। तो सारी जो मॉनिटरिंग की हम बात कह रहे हैं कि जब भी मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने की बात होगी, क्योंकि आपको याद रखना होगा कि मध्य प्रदेश में लगातार सरकार कर्ज ले रही है, कर्ज लेने के बाद अलग अलग योजनाओं को लागू करना होता है, कई नए प्लान बनाने होते हैं, बजट बनाना होता है। अभी लेखानुदान आने वाला है, जब सरकार आएगी तो सबसे पहले लेखानुदान बजट वो जारी करेगी, तो उसमें सरकार के विकास का रोडमैप भी दिखेगा। लेकिन आशीष, जब योजनाओं को हम लागू करते हैं या कोई नई योजना लॉन्च करते हैं तो सरकार के दिमाग में ये बात हमेशा चल रही होती है कि उसके लिए पैसा कहां से आएगा, तो शायद यही वजह है कि इन्होंने अपने पास